रेती भरा हुआ है, देख रहे हैं ये तीर्थ जाने का मार्ग है ना, तरीके से ग्रामीण पार होके जा रहे हैं, ये तीर्थ को कनेक्ट करता है। धूप में बड़ा बनाती है मम्मा, यहाँ से देखिए बहुत सारे भाई क्या ही बोले, एकदम रापचिक कलेक्शन है। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में, माय सेल्फ देव। सो गाइस आज का वीडियो ना भाई काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो गाइस आज आप लोग को लेके चलूंगा गाइस मड़ाई मेला दिखाने को, क्योंकि गाइस ये वीडियो आज के दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज यहाँ पे गाइस फिल्म भी शूटिंग हुई है यार, आज वहाँ पे जो है एक मेला आयोजित हो जा रहा है, जो मड़ाई मेला है गाइस काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे जो है टूरिस्ट लोग जो गाइस विजिट करने आते हैं। तो मेले का नाम है भाई चित्रकूट, जो की बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और छत्तीसगढ़ राज्य में। किस सुबह की शुरुआत सूर्यदेव के साथ पहुंच चुके हैं, 10:24 में पहुंचना। लोग आए भाई, सब ग्रामीण अंचलों के लोग ये मेरे साथ आए भाई, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, 5-7 किलोमीटर होना चाहिए, पैदल जाना है, लिफ्ट मांग के जाना जैसे होता है, देखते हैं भाई। तो इधर से ये जाती है गाइस जगदलपुर की तरफ, और इधर आपका पड़ेगा चित्रकूट। टोटल जो दूरी है वो पता नहीं है यहाँ से कितना दूरी है, क्योंकि हम जितने बार भी आए इस रोड पे अपने बाइक लेके आए हैं ना, तो आज पैदल जाना पड़ेगा। मेरे साथ जो आए थे वो पैदल जा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से दादा बोल रहे हैं भाई बहुत दूर है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे पुलिस प्रशासन ड्यूटी कर रही है, शायद गाड़ी चेकिंग हो रही है, देखिए चेक हो रहा होगा। तो भाई अभी 2 किलोमीटर बचा है, साइड करा रहे हैं भाई, यहाँ से चंदा वसूला जा रहा है। 4 पहिया वाहन यहाँ पे पार्क की जा रही है, जो मेला की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। उत्सव महाशिवरात्रि जो कल है, यहाँ से भाई 1 किलोमीटर बचा हुआ है, पिकअप हो गया और भी अन्य गाड़ी जो लगेगी वहाँ से आपका जो मेला वाला जो लोकेशन है 1 किलोमीटर के समथिंग, जगह जगह पे जो है होम स्टे के बोर्ड लगे हुए हैं, आने लगना प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ से प्रारंभ है असली, फिलहाल तो ऐसे 3 गेट मिलेंगे आपको। कोट महोत्सव 2023 पत्थर के आइटम यहाँ पे अवेलेबल है, देखो रेंज में जाना होगा, एक इधर से जाना होगा आपको, सारे चने बेचने का इसे पास आपात चिकित्सा केंद्र, किसी को कुछ दिक्कत होगा तो इधर जाएंगे। इधर लगने वाला है मतलब मेला है ना, इधर तो नदी लग जाता है चित्रकूट वाटरफॉल। होटल वाले सब तैयार हो गए भाई बिजनेस करने को, इधर लगने वाला है मेला। चलिए अभी सुबह के नज़ारे, अब ताज़े ताज़े मिठाइयाँ, सन ग्लासेस डिफरेंट प्रकार की, इसके बाद ही आएगी भीड़ वाली ब्लॉग से पहले की है जो तैयारी करते हुए तरह के तमाम क्राफ्ट यहाँ पे है, देख रहे हैं ये देखिए अलग अलग प्रकार के। यहाँ से आपको झरने का तस्वीर दिखेंगी, और ये है गाइस शिव मंदिर, बाप रे बहुत क्राफ्ट है भाई। यहाँ शिवरात्रि पड़ रहा है तो यहाँ पे शिव भगवान है, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे आके, ये देखो। चलिए थोड़ा झरने की ओर लेके चलता हूँ आपको, पानी भर जाता है ना गाइस ये बहुत ज़्यादा पैक हो जाता है, अभी गर्मी का सीजन है ना इसलिए ये थोड़ा सूख गया है। कलाकृति पत्थरों से बना हुआ है, ये देखिए पूरे ये पूरे नदी में बैठा हुआ है, नदी के पास भगवान गणेश शिवलिंग ये सब है, उनका दर्शन कराता हूँ। यहाँ है गणेश है, विष्णु है और शिवलिंग है, यहाँ पे भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे जो टूरिस्ट है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, कहाँ से हैं? यूपी प्रयागराज। क्या बात है भाई, यूपी प्रयागराज, तो इनका टैटू का दुकान है। यहाँ की जो मूलभूत बिजनेस है ना गाइस वो छोटे छोटे दुकान है, खेती बाड़ी है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी बहुत एडवांस दुकान धीरे धीरे खोल रहे हैं और अपने को ग्रो कर रहे हैं। को ताकने के लिए बहुत खूबसूरत सा स्थल है, ये सारे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं और बोटिंग करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये अभी तैयारी चल रही थी गाइस, अभी मैं आप लोग को झरना दिखाया, और अभी यहाँ जितना दिख रहा है खाली पीली, ये बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी थोड़ा ही देर में, फिर से आप नीचे उतर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, तो अगर इस मेले में ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट आइएगा, चाट भंडार की दुकानें यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत सारे भाई क्या ही बोले, एकदम रापचिक कलेक्शन है।
ये ड्यूटी सुपा कितरो कितरो चाहे 150 रुपए में एक मिल रहा है ना। बहुत कलेक्शन है यहाँ पे। ये नदी में लगा हुआ है जहाँ पे आपको पूरे मिल जाएंगे। बहुत है भाई, ये देखो, ये पूरा जो आसपास के जो क्षेत्र हैं पूरे स्टॉप पे बने हुए देख सकते हो। मतलब बहुत मात्रा में अवेलेबल है गाइस यहाँ पे, देख सकते हो, है ना। लेकिन बहुत कड़कती धूप है, इस कड़कती धूप में बेचेंगे। कितना 2 दिन रुआ, ये 2 दिन चमेला है शिवरात्रि सन कि शिवरात्रि बेरा फिर हुआ था है हसन सन नहीं करता है सांग परम दिन वाला है, कल ही लास्ट है। अच्छा, तो कल लास्ट होगा, कल महाशिवरात्रि है। और ये जो दुकान है, अभी अगर आप लोग देख रहे हो तो आ जाने का। यहाँ पे सुपा हो गए, ड्यूटी हो गए, अभी मोवा का सीजन भी आ रहा है तो ये बहुत डिमांड रहता है। इसे नज़र मारो यहाँ से पूरे, ये नदी में लगा हुआ है पूरा, है ना, नदी के पत्थरों के ऊपर में। कितरो चाहे ना गोटो, तो 160 में ये बिक रहा है, जो कि मछली उछली सूखा सुखाने के लिए उपयोग होता है ना। देखो खरीदने वाले खरीद रहे हैं। इधर से इधर पार हो सकते हो, तीर्था में गणेश मंदिर है उसके सामने से। ये देखो इस तरीके से ग्रामीण पार होके जा रहे हैं, ये तीर्था को कनेक्ट करता है। इधर चित्रकूट पड़ता है गाइस, यहाँ से आगे जाएंगे तो उस पार वो तीर्था है। इधर से पार होके देख सकते हो, ग्रामीण जा रहे हैं, देख सकते हैं ये पार होके। तो मैंने रेती भरा हुआ है, देख रहे हैं, ये तीर्था जाने का मार्ग है ना। ये पास बढ़िया ठंडा लगा, तो मैं जब शाम को जाऊंगा तो इसी तीर्था वाला रूट पे जाऊंगा और उधर पे टेंट लगाऊंगा। मैं आज आते समय सोच रहा था अगर इधर पे बाईपास नहीं होगा ना तो मुझे तो उधर से राउंड लगाना पड़ता, जो काफ़ी दूर पड़ता ही रहे। जब भीड़ हो जाएगी तब दिखाते हैं आपको। फिलहाल लेदरी से मिलते हैं, ये पास बैठता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, आपको देता हूँ भाई वीडियो जैसे जो होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं भाई, चित्रकूट मेला मड़ा इन्जॉय करने आए। तो स्टे टेन विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, लव यू।